झारखंड सभागार में राज्य स्तरीय दो दिवसीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता शुरू हुई। राज्य के विभिन्न जिलों से 300 पावर लिफ्टर खूंटी में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। दो दिवसीय पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस एवं डेड लिफ्ट चैंपियनशिप का शुभारंभ केंद्र आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। दो दिनों तक चलने वाले प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले खिलाड़ी को 60,000 रुपए नगद समेत विभिन्न वर्गों में प्रथम, द्वितीय आने वाले खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ के पश्चात केंद्रीय मंत्री ने खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों को संबोधित किया और कहा कि खूंटी में पावर लिफ्टिंग का आयोजन होना अपने आप में उपलब्धि है। इसके लिए आयोजकों को केंद्र मंत्री ने बधाई दी। आयोजक पावर लिफ्टिंग का स्टेट चैंपियनशिप आयोजित कर रहे हैं, इससे राज्य के खिलाड़ियों को अपनी पावर लिफ्टिंग खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। बहुत कम समय में खूंटी भी इसमें अपनी बेहतर जगह बना पाएगा। खेल न केवल हमारे शारीरिक बल्कि बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाता है। यदि हम इस खेल को ले तो इसके माध्यम से शरीर स्वस्थ अथवा हृष्ट पुष्ट बनता है और व्यक्तित्व को सही तरीके से प्रस्तुत करने वाला यह खेल है। यहाँ बहुत सारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। आगे हमारे खिलाड़ी और बेहतर करें, ये शुभकामना है। खेल न केवल हमारे शारीरिक बल्कि बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाता है। यदि हम इस खेल को लें तो जिसे कहा जाए एक सस्टेव, जिसको देहात में हम लोग हृष्ट पुष्ट करते हैं, और शरीर बहुत ही व्यक्तित्व को सही तरीके से। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।